हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। उस स्टूडेंट का नाम है तरुण और वो हमारे साथ हमारे DSMP बैच में एनरोल्ड था। तरुण के बारे में खास बात यह है कि ही इज़ अ फ्रेशर एंड ही कम्स फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। और कंसिडरिंग अभी जिस तरह का मार्केट सिचुएशन है, इन सारे एडवर्सिटीज़ के बीच में तरुण ने एक बहुत अच्छी कंपनी में 17 LPA का एक जॉब क्रैक किया विद द प्रोफाइल ऑफ डेटा साइंटिस्ट। सो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप भी सही तरीके से प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो और मेहनत करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेशर हो, किस तरह के कॉलेज से आते हो, मार्केट में क्या कंडीशन है, आप भी अपना ड्रीम जॉब पा सकते हो। सो जब आप ये पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, ये 17 LPA का जो पैकेज है वो रैंडमली उसने अचीव नहीं किया या फिर इट्स नॉट प्योर लक, ही हैज़ एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड। सो मैंने तरुण की पूरी जर्नी डिस्कस करने की कोशिश की है इस वीडियो में और मुझे लगता है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है कि कैसे एज अ फ्रेशर आप डेटा साइंस की डोमेन में घुस सकते हो। देर इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू, जब मैं तरुण का इंटरव्यू ले रहा था जूम पे, तो हमारी साइड में थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे इंटरव्यू में कुछ एक आध सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम दिख सकती है। सो जस्ट सॉरी अबाउट दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। सो हाय तरुण, लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड उसके बाद फिर विल डिस्कस ऑल अदर थिंग्स। Sure. Hi everyone. My name is Tarun Chauhan and I'm from Greater Noida and currently pursuing BTech from GL Bajaj Institute of Technology and Management. And my branch is CSC with specialization in artificial intelligence and machine learning. Okay, so currently aap apni fourth year mein ho and in the eighth semester you are? Yes, I'm in my eighth semester. Okay. So Tarun, sabse pehle na, yeah. I would like to start with this question ki जैसा आप जानते हो कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस में एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब्स नहीं है। उसके ऊपर आप एक और चीज और ऐड कर दो कि करंट जो मार्केट कंडीशन है वो भी बहुत खराब है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की तो आपके दिमाग में भी ये डाउट्स आए होंगे कि जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर उस पॉइंट पे आपने आपका थॉट प्रोसेस क्या था, वो मैं सबसे पहले समझना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने जब 12th किया था तो मैंने थोड़ा डिस्कस किया था अपने सीनियर्स वगैरह से या फिर जो भी मेरे भैया लोग थे उनसे, तो यही था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना था, ठीक है, क्योंकि बीटेक करनी थी और कंप्यूटर साइंस में जाना था। इतना वो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर AI ML में जाना है, उतना नहीं सोचा था। तो जब मैंने कॉलेज में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ब्रांचेस के बारे में रिसर्च किया, कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, तब जाके मेरे को ये पहली बार वर्ड सुनने को मिला था AI ML। देन आई ऑल डिस्कस विद माय सीनियर्स एंड ऑल, देन दे हैड सजेस्टेड मी टू गेट इन दिस AI ML फील्ड। Okay. तब मैंने इतना नहीं सोचा था कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी है बस मैंने ब्रांच ले ली थी। तो बेसिकली मतलब इसका आंसर ये है कि ज्यादा मत सोचो, जो चीज पसंद आ रही है, जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है उसमें कूद पड़ो, हाँ, मेहनत करो। नटशेल में यही है ना आपका आंसर? हाँ, दैट इज एक्चुअली अ ग्रेट आंसर। आजकल हम लोग सोचते थोड़ा ज्यादा है बिकॉज सोशल मीडिया पे इतना सारा कॉन्टेंट है और लोग मतलब इतनी सारी बातें बोलते हैं ना, तो एज अ स्टूडेंट ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरे को लगता है बेस्ट एटीट्यूड वही है जो वो वीरेंद्र सहवाग वाला स्टाइल है बैटिंग का, कि ज्यादा सोचो मत, बॉल देखो और शॉट मार दो, राइट? तो ठीक है, चलो, ये तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी क्या था? आपने खुद को कितना टाइम दिया कि मुझे इतने टाइम में प्रिपेयर करना है? आप क्या कोई पर्टिकुलर कंपनीज को टारगेट कर रहे थे? इन शॉर्ट मतलब आपने पूरा का पूरा अपने दिमाग में प्लान क्या बनाया कि मुझे डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है?
तो मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो पहली बार मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि 12th क्लास तक मेरे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं था। तो मैंने बस सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो यूट्यूब पर मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे सी के। तो बस जब मैं समझ में आया था कि एक्चुअली मैं कोडिंग क्या होती है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, और तब जाके मैं थोड़ा तब जाके पहली बार मैंने AIML के बारे में पढ़ा। तो मैंने सेकेंड ईयर में मैंने अपना पाइथन से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फिर मेरा मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इस वाली कंपनी को टारगेट करूं, या फिर मैं इतने टाइम में ये सब सारा सब कुछ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था, मेरे पास 3 साल थे, और 3 साल में मुझे लगता था कि काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो मैंने जस्ट रोड मैप्स की वीडियो देखनी स्टार्ट करी। मैंने मेरे एक स्ट्रेटजी मैंने ये थोड़ा अपनाई थी कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है कौन सा नहीं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट था और मुझे सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी थी, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या काम करा, मैंने 15 से 20 मैंने रोड मैप्स की वीडियोस देखी, उनमें से मैंने कॉमन चीज़ें निकाल कर रखी कि कौन कौन सी ये आपने कौन मोस्ट से ईयर में कॉमन किया? है। ये आपने कौन से ईयर सेकेंड में? ईयर सेकेंड में मैंने ईयर में? सेकेंड ईयर ओके में ओके सेकेंड ईयर में मैंने जब मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा था, इन थर्ड सेमेस्टर मैंने ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 वीडियोस देखी होंगी मैंने रोड मैप्स की। जितने भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं किसी भी चीज़ की, अगर आप सर्च करोगे रोड मैप्स में तो मिल जाती हैं। तो मैंने उनमें से ये देखा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है वो वही है, पाइथन, SQL, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो मैंने बस ये डिसाइड किया मैंने कि सबसे पहले मैं पाइथन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं SQL पढ़ूंगा, देन डेटा एनालिसिस एंड देन मशीन लर्निंग। तो उसके बाद मैं धीरे 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 पढ़ता गया। मैंने पाइथन, मैं बताऊँ कि पाइथन के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिला था। मैंने आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ने स्टार्ट किया, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ट्राई किए। तो मेरा मैं तो मैं पाइथन अगर ढंग से सीखो, अगर अच्छा रिसोर्स मिल जाए तो 1 महीने में इजीली अच्छी तरह से पाइथन सीख सकते हो। लेकिन मेरा कम से कम 4 से 5 महीने सिर्फ पाइथन सीखने में निकल गया था, क्योंकि मुझे एक्चुअल में मुझे रोड मैप नहीं मिला था पाइथन का। बट एक बार मैंने पाइथन सीख लिया तो मुझे आइडिया हो गया चीज़ों का। उसके बाद फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, फिर मैंने अपना रोड मैप अपना थोड़ा अच्छी तरह से फॉलो किया फिर। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि आपने खुद को ऑलमोस्ट 3 साल दिए, 3 साल नहीं 2 साल दिए, थर्ड ईयर और आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपने पूरा इन्वेस्ट किया, और आपका स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि शुरू में ही आपने बहुत क्लियरली ये फिगर आउट किया कि पढ़ना क्या है। आपने मल्टीपल रोड मैप स्टडी किए और उसके हाँ हिसाब से आपने अपना एक लर्निंग प्लान बनाया, और आपने ये भी बोला कि आप ज्यादा डाइवर्ज नहीं करना चाहते थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस फॉलो नहीं करना चाहते थे, आपको चाहिए था कि एक कोई वही अच्छा मुझे मिल जाए था और कि उसको पकड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। वही, क्योंकि राइट 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 मैंने इतना मेरे को हाँ आइडिया लग गया था कि AIML का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसमें मैंने जॉब प्रोफाइल्स वगैरह भी देखे थे। तो उस सिर्फ एक ही फील्ड में कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। तो मेरे को ये था कि हाँ, मेरे को डेटा साइंटिस्ट वाले प्रोफाइल्स वो करना है। तो ओके सिर्फ मैंने जो जितना डेटा साइंटिस्ट के लिए चाहिए था एज अ फ्रेशर, मुझे लगा था कि हम मेरे को वो 3 साल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बस इसलिए अच्छा मैंने एक ही रोड मैप फॉलो करने का सोच लिया। तो एक बार अब इसके आगे वाले स्टेज पे मूव करते हैं कि एक बार जब आपने रोड मैप डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आपने उस पूरे रोड मैप को एग्जीक्यूट कैसे किया? आपने पेड कोर्सेज तो किए ही आपने, मतलब जैसा आप DSMP में भी एनरोल्ड हो, तो आप कितना कंपोनेंट की आपकी पढ़ाई पेड कोर्सेज के थ्रू हुई, कितना आपने सेल्फ स्टडी किया, और इसके अलावा और क्या आपने हैक्स यूज किए जिससे आपका ये जो पूरा लर्निंग था इस पूरे पीरियड में वो अच्छा हो पाया? तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने पाइथन तो मैंने अलग अलग लोगों से पढ़ा था, लेकिन जब ऐसे ही मैं SQL की एक वीडियो देख रहा था, ये भी सेकेंड ईयर की बात है, मतलब जब पाइथन मेरा कंप्लीट हो गया था, मुझे लगा था कि हाँ पाइथन मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे SQL पे मूव करना चाहिए। तब जाके आपको जो एक वीडियो मिला था, आपको पहली बार मैंने आपका वीडियो देखा था SQL का, अच्छा जो 4 घंटे का जो वीडियो है, शायद आपने रिकॉर्डिंग हाँ डाल हाँ रखा हाँ था, हाँ आपने कहीं आई रिमेम्बर क्लासेस वगैरह लिए थे, हाँ हाँ तो हाँ वो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ये बंदा है कि हाँ जो मेरे को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, ठीक है। राइट मैंने सिर्फ सोचा था कि SQL अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो आप, बहुत अच्छी तरह से। मैंने मतलब मैंने SQL और जगह से पढ़ा था, मगर समझ नहीं आ रहा था मेरे को अच्छी तरह से। लेकिन जब से मैंने आपसे SQL पढ़ा, तो मेरे को एक होता है ना, एक स्पार्क मिल जाता है चीज़ों का कभी कभी, कि हाँ राइट ये बंदा लग रहा है मेरे को काफी अच्छा पढ़ा सकता है। तो उसके बाद मैंने पढ़ लिया SQL, पढ़ लिया मैंने वो वीडियो, मैंने 2 या 3 दिन में खत्म करी थी, 4 घंटे की वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही रेंडमली आपका चैनल मैंने खोला, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई है। जब आपका मैंने पूरा नाइस चैनल स्टडी किया, तो अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा, वो प्लेलिस्ट देखी, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि उसमें काफ़ी सारी वीडियोस थी, मैंने प्लान बनाया कि अब मेरे को ना इधर जाना है ना उधर जाना है, मेरे को अपना पूरा 1 साल इसको देना है।
अरे वाह, सही। और फिर ना मैं इधर गया और ना इधर गया। फिर मैंने अच्छा वो आपकी 100 डेज की जो प्लेलिस्ट है मैंने पूरी कवर करी अच्छी तरह से विद विद नोट्स। ओके और उसके बाद फिर आपने वो कोर्स आपका मैंने एनरोल कर लिया, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया। तो वो जस्ट लाइक अ आइसिंग ऑन अ केक वो। डीएसएमपी वाला कोर्स जो था, DSMP 1। या ओके हाँ हाँ ओके तो इसके अलावा और क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? मेरा चैनल और मेरा कोर्स, इसके अलावा और भी अगर कोई रिसोर्सेज आपने फॉलो किए वो भी आप शेयर कर दो। हाँ वही वही इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने आपके जब से मेरा आपको चैनल मिला है मैंने एक बार बाहर से अच्छा नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने इनमें आर्टिकल्स हाँ वगैरह मैंने बस थोड़ा बहुत जो मीडियम या फिर एनालिटिक्स विद है वेबसाइट है उन पर मैं थोड़ा बहुत कभी कभी आर्टिकल्स पढ़ लेता था चीज़ों का देख देख के क्या 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 चीज़ें जो ट्रेंड्स में आ रही हैं। बाकी ओके जो कोर जो नॉलेज है मैंने आपके अलावा फिर कहीं से नहीं ली। ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी मार्केटिंग हो गई हमारी। अच्छा अगला हाँ सवाल ये है कि एक बार जब आपको लगने लगा कि यार मेरी नॉलेज अब डिसेंट लेवल पे हो गई है, तो फिर उसके बाद अगला स्टेज होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, रेज्यूमे बिल्ड करते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, सो दैट आप सामने रख पाओ लोगों के कि मुझे ये नॉलेज है। तो वो वाला स्टेज में आपने क्या किया? पोर्टफोलियो कैसे बनाया, रेज्यूमे में क्या चीजें रखी, प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए, वो थोड़ा आप बताओ। तो जब मेरा सेकंड ईयर मेरा एंड होने वाला था तो मतलब मेरा 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो तब मैंने आपके थोड़ा बहुत मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे। तो मैंने प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बनाए थे, मैंने कुछ तब तक मैंने सिर्फ वही प्रोजेक्ट बनाए थे जैसे रिग्रेशन के, क्लासिफिकेशन के। कुछ प्रोजेक्ट आपने भी करा रखे हैं उनमें से मैंने थोड़ा बना लिया था। तो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फोरकास्टिंग का, थोड़ा फोरकास्टिंग का सीख के मैंने। ठीक है, वो मैंने कहीं और से सीखा था, मतलब रैंडम वीडियो उठाई मैंने कोई और यूट्यूब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने कॉपी किया था बट मैंने पूरी वीडियो साथ साथ देखी थी। मैं एक एक चीज़ में बता सकता हूँ उस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। तो अगर मेरे से इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि बता सकता हूँ कि हाँ मैंने बनाया है प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ गया। तो एक मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और एक मैंने आपका एक मूवी रिकमेंडर सिस्टम जो आपने बनवाया था उसमें मैंने थोड़ा थोड़े बहुत चेंज थोड़ा काफ़ी चेंजेस किए थे। जैसे कि मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लिए थे, आपने शायद 8 7 या 8 एट्रीब्यूट के साथ हमने वो कराया था बट मैंने काफ़ी सारे और एट्रीब्यूट्स लिए थे। इवन मैंने डेटा स्क्रैप करके और थोड़ा डेटा और बढ़ाया था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा फ्रंट एंड और अच्छे से बनाया था उसका, मतलब HTML CSS JavaScript का यूज़ करके, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वो भी Got पढ़ it. रहा था उस टाइम। तो वो मेरा एक बोल सकता हूँ कि वो मेरा मेजर प्रोजेक्ट बन गया था, मेजर इन द सेंस उस टाइम पर मेजर था। और मेरा एक फोरकास्टिंग का एक माइनर, दो मैंने ये दो प्रोजेक्ट मैंने अपने उसमें डाले थे रेज्यूमे में। उसके बाद फिर कुछ मैंने फिर इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, जैसे इंटर्नशाला वेबसाइट है मैंने वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप रोज में कम से कम 20 या 30 कंपनीज में अप्लाई करता था इंटर्नशिप के ओके लिए सिर्फ, जो ओके कंपनीज होती हैं। तो एक इंटर्नशिप मेरे को मिली, फिनलैब्स कंपनी है, वो एजुकेशनल कंपनी है, मतलब सिर्फ इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है लेकिन अच्छी अच्छी खासी कंपनी है। मतलब ऐसे ओके नहीं कि थोड़ा छोटी मोटी हो, अच्छी खासी लेवल पर वो अच्छे। तो उसमें मेरे को स्टाइफंड में मिलता था 7,000। तो पहली मेरे को इंटर्नशिप एज अ मशीन लर्निंग इंटर्न मिली, तो वो 3 महीने की इंटर्नशिप थी। और उसमें भी अगर इंटरव्यूज में जो मैंने अभी तक पढ़ा था 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग उसके बाहर कुछ नहीं पूछा था, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी थी जो मैंने बता दी थी। तो 3 महीने की वो मेरी इंटर्नशिप हो गई। उसके बाद फिर मैंने एक और, जब मैं थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मेरे को एक और इंटर्नशिप मिली इनोमेटिक रिसर्च लैब, वो थोड़ी ठीक ठाक कंपनी थी, अच्छी थी मतलब। और उसके बाद फिर मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट इंटर्न उसमें काम किया और वहाँ मैंने थोड़ा ये सब यूज़ किया था, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं जैसे गिट हो गया या फिर लिनक्स वगैरह पर काम किया था कमांड वगैरह। तो थोड़ा और नॉलेज मेरा एनहेंस हो गया। तो इसको देखा जाए तो फिर मेरा दो प्रोजेक्ट हो गए, दो इंटर्नशिप हो गई और स्किल्स तो तो हमारे हाथ में होती हैं। तो वो फिर उसके बाद काफी फिर मेरे अच्छा। एक रेज्यूमे हाँ, में बोल सकते हाँ, सिंस यू तो आर अ एक फ्रेशर डिसेंट तो रेज्यूमे मैंने ऑलरेडी, बना लिया था। हाँ सिंस यू आर अ फ्रेशर, आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, दो इंटर्नशिप्स हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो। तो चलो सही तो है ये ये सब चीज। मैंने थर्ड ईयर के मिड तक कर लिया था। ओके फिर उसके बाद फिर क्या जॉब हंटिंग को कैसे आपने अप्रोच किया? क्योंकि मैं जनरली सुनता हूँ कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया और कितनी जगहों से आपको रिप्लाई आया वापस, और फिर कैसे ये पूरी चीज कन्वर्ट हुई? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं शुरुआत में जब मैंने काफी इतन, कम से कम मैं फिर मैं इंटर्नशाला से फिर मैं लिंक्डइन पर जंप कर गया था कि मुझे अब थोड़ा टेक्निकल रोल चाहिए, मतलब थोड़ा और ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर काम करना है। जो अभी तक मैं सिर्फ डमी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था लेकिन अब मेरे को थोड़ा ऐसा जो एक्चुअल में रियल इंटर्नशिप पर काम करना है मेरे को। तो फिर मैंने लिंक्डइन से अप्लाई स्टार्ट किया। तो मेरे को 2 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं सिर्फ अप्लाई करके बहुत अप्लाई किया मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिज्यूमे में
अपडेट करता गया, लेकिन कुछ मेरे को वो मिला नहीं रिजल्ट। फिर मैंने Naukri.com पे अप्लाई किया, वहाँ वहाँ भी ज़्यादा मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने अनस्टॉप वेबसाइट है वहाँ भी अप्लाई किया, मतलब जितनी भी मैं पॉसिबल चीज़ें थी मैं सब ट्राई करके देखा, बट नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा बात किया इधर उधर, तो मेरे को पता चला कि एक्चुअल में जब मैं थर्ड ईयर के आखिरी में या फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, तो ये वाला फेज आ गया था रिसेशन का, तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जॉब वगैरह लेना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कोल्ड ईमेल्स डालना स्टार्ट किया। मैंने जैसे कोई भी ओपनिंग निकली लिंक्डइन पे, तो मैंने जॉब वाले मैंने जितने भी अच्छी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कंपनी के बारे में कि मेरे लायक कौन सी कंपनीज है जो मेरे इस तरह के रोल्स वगैरह हायर कर रही है, जैसे डेटा साइंस इंटर्न वगैरह हायर कर रही है। तो कुछ कंपनीज मैंने लिस्ट वगैरह बनाई उनकी, फिर वहाँ पर लिंक्डइन पर जाकर मैंने जॉब अलर्ट सेट किया कि अब मतलब मैंने इतने सारे जॉब अलर्ट सेट कर लिए थे कि ये जो नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, इन सब में अगर किसी भी कंपनी में डेटा साइंस की इंटर्न निकलती है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता था लिंक्डइन से। या फिर बहुत सारे मैंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए, टेलीग्राम्स ग्रुप्स ज्वाइन किए, बहुत सारे मतलब मेरे इतने सारे रिसोर्स हो गए कि मैं कंफ्यूज हो जाता था। फिर मैंने बहुत इतने सारे हो गए थे कि मैं अप्लाई करना भी भूल जाता था। लेकिन फिर इससे क्या हुआ कि जहाँ भी मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ ये एक जॉब निकली है जो मेरे काम की है, जो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो मैं उसके कंपनी के लिंक्डइन पर जाता था, वहाँ एम्प्लॉयज़ पर सर्च करता था, जितनी भी एम्प्लॉयज़ है तो मैं एटलीस्ट 50 से 60 एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट भेजता था वहां पे। उसके बाद फिर मेरे कम से कम हाँ उसके बाद फिर मेरे को 30 लोगों ने रिक्वेस्ट कनेक्शन एक्सेप्ट किया था मेरा। 30 के बाद कम से कम मेरा फिर मैंने उनको 30 के 30 को मैसेज किया कि मैं ये आपके कंपनी में जॉब जॉब रोल निकला है, ये मेरी स्किल्स हैं और ये मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। तो ये मैं डायरेक्ट रेफरल के लिए नहीं पूछता था, मैं बस बता देता कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस रोल में, ठीक है। तो उसमें से मेरे को सिर्फ 10 या 8 10 रिप्लाई मिलते थे। 8 10 रिप्लाई में से भी कुछ बोलते थे आई विल बैक टू यू, मतलब इस तरह का रिप्लाई देते थे। कुछ उनमें से 5 या 4 लोग ही रेज्यूमे मेरा लेते थे, ठीक है। रेज्यूमे उन्होंने मांग लिया और उन्होंने एचआर को फॉरवर्ड कर दिया। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं ये 2 3 दिन में जाके मेरा रेज्यूमे एचआर पर पहुंचता था, वो भी अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो। तो तो ये उसके बाद मतलब तो एक हाँ कंपनी में लेने के लिए काफी एफर्ट लगाया मैं, और मैं डेली गया था। मैंने कम से कम ये 6 महीने मैंने लगातार किया था। उसके बाद मैंने और फिर मेरे इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, और फिर मैंने इंटरव्यू कॉल्स दिए, और फिर मैंने ऐसा कि हर हफ्ते मेरा एक इंटरव्यू होता था लेकिन मैं रिजेक्ट हो जाता था। मैंने और मेरा सबसे एक अच्छा मैं बताऊं तो मैं ऐसे 3 इंटरव्यू राउंड है, तो मैंने आज तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं की जिसमें मैंने पहला इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। हमेशा मैंने पहला इंटरव्यू बिकॉज निकाल उतना दिया नॉलेज और आपने मैं अक्यूमुलेट कर लिया था। हाँ वही। लेकिन मेरा जो दिक्कत होती थी जो आखिरी में जो थॉट प्रोसेस वाली चीजें होती थी ना, कि थोड़ा टेक्निकल चीजें मैं सारी बता देता था, लेकिन अगर वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां मैं थोड़ा अटक जाता था, या फिर थोड़ा डीप डाइव हो गए मैथ्स में वहां मैं अटक जाता था। तो मतलब मैं जॉब हंटिंग मेरे को अच्छी तरह से आ गई थी कि हाँ मैं इंटरव्यू कॉल ले सकता हूँ अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां से रिप्लाई नहीं आता मेरे को अभी भी, ठीक है। या ये तो आपने और या बहुत फिर सॉलिड काम कोई किया, मतलब आपने कितना 6 मंथ तक ये काम करते चले गए आपकी, इतने लोगों को हाँ मैं कॉन्टैक्ट 6 मंथ करना, तक किया। कोल्ड ईमेल्स लिखना और हाँ रेज्यूमे फॉरवर्ड करना, दिस इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स लोग एक गलती करते हैं, पढ़ने पे 95% फोकस करते हैं और जॉब हंटिंग के प्रोसेस पे 5% फोकस करते हैं। बट क्लियरली आपसे ये समझने को मिल रहा है कि 50-50% एफर्ट डालना पड़ता है, जितना आपको पढ़ने में करना वही। पड़ेगा उतना ही आपको जॉब हंटिंग में करना पड़ेगा। सो इन टोटल आपने कितने कंपनीज में इंटरव्यू दिया? इन टोटल मैं बताऊँ तो मैं 15 मैंने कंपनीज में इंटरव्यू दिया, मतलब 50 मतलब 15 के आसपास मैंने इंटरव्यू दे 15 दिए हैं कंपनीज में लिया डेटा आपने साइंस में। डेटा हाँ साइंस के, आपने 15 इंटरव्यूज दिए और मोनोटाइप हाँ आपकी हाँ 15 कंपनी थी जो फाइनली जाके क्रैक। हाँ 15 हाँ एक बार थोड़ा मोनोटाइप के बारे में बताना, मोनोटाइप एग्जैक्टली क्या करती है और आप वहां पे मतलब एग्जैक्टली क्या करोगे? ओके। तो एक्चुअली मोनोटाइप एक डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज को। बेसिकली इसका काम जो मेन काम है वो फॉन्ट से रिलेटेड है। आपने जो फॉन्ट के बारे में सुना होगा टाइम्स न्यू रोमन या फिर सैंस सेरिफ रोबोटो, ये सारे फॉन्ट जो है मोनोटाइप ने क्रिएट किए हैं, बाकी कंपनीज ने भी क्रिएट किए हैं, बस ये जो फेमस फॉन्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। अभी वो AIML के डिपार्टमेंट में अभी क्या काम हो रहा है कि वो AI से रिलेटेड AI से यूज करके फॉन्ट जनरेट कर रहे हैं वो लोग,
अच्छा मतलब जनरेटिव ओके एआई का यूज करके फॉन्ट जनरेट कर रहे हैं वो। ओके अभी अभी फिलहाल तो कुछ जिस तरह के ये मॉडल, अभी जो लेटेस्ट जो मॉडल है डीपफेक वेक्टू आई थिंक, जो कि गूगल और एडोबी ने मिलकर रिसर्च किया है, उसकी फिडेलिटी आई थिंक 60% के आसपास है। तो उसी को फाइन ट्यून कर रहे हैं अभी, लेकिन आगे इनका थोड़ा बहुत वो है कि हाँ खुद के मॉडल्स वगैरह क्रिएट करें, खुद का सिस्टम्स वगैरह वगैरह बनाएं। तो आप एज तो अ मैं अभी जेनरेटिव एआई एआई फॉर इंजीनियर ऐड हुए हो इस कंपनी में? या एज ए आई एम एल इंजीनियर। ओके। तो इसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था तरुण, थोड़ा वो बताओ आप, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ओके पैकेज, तो श्योर कि इनका हायरिंग प्रोसेस भी बहुत रिफाइंड होगा। भैया तो एक्चुअली मेरी किस्मत भी बहुत इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, क्योंकि कोई छोटी भी, अगर कोई छोटी भी कंपनी है तो अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करके छोड़ दूँ, चाहे मेरा रिज्यूमे कितना भी अच्छा सही, लेकिन बहुत कम चांसेस होते थे कि कॉल आए उधर से। लेकिन इसमें क्या था, और मोस्टली अगर वो इजी अप्लाई वाला पोर्शन है, मतलब लिंक्डइन पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो इजी अप्लाई का या फिर वो कंपनी के वेबसाइट पर तुम्हें रिडायरेक्ट कर देता है। इसमें इजी अप्लाई था, कंपनी काफ़ी अच्छी खासी थी और उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था एज अ ए आई इंजीनियर, तो इजी अप्लाई था, मैंने इसलिए अप्लाई अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरा उधर से कॉल आ गया अच्छा एचआर का कि ओके आपने आपने अप्लाई किया है। तो उन्होंने पूछा 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो मैंने कहा 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, तो कि एज अ मैं फ्रेशर हूँ अभी। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका रिज्यूमे, आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी पसंद आई है हायरिंग मैनेजर को हमारे, तो हम आपको एज अ ट्रेनी भी हायर कर सकते हैं क्योंकि हमारे टीम में अभी जगह है। तो अच्छा फिर मैंने बोला ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि अगर इंटरेस्टेड है तो बताओ, तो मैंने ठीक है हाँ बोल दिया। उसके बाद फिर मेरा हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मेरा ओए, मैं थोड़ा था कि शायद ओए वगैरह होगा, ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि मोस्टली कंपनीज में होता है, अगर एज अ फ्रेशर कोई सी भी कंपनी है वो ओए कराती है, बट इसने नहीं कराया पता नहीं क्यों। बट इन्हें 3 टेक्निकल इंटरव्यू हुए मेरे, तो मैं इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला इंटरव्यू मेरा कोडिंग राउंड था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मेरे का 3 DSA के क्वेश्चन पूछे। तो पहला DSA का क्वेश्चन था कि एक सब एरे दे रखा है, उसका मतलब मुझे एक एरे दे रखा है, मुझे वो सब एरे निकालना है जिसका सम के इक्वल है। वो बेसिक लीट कोड का प्रॉब्लम है, काफी फेमस क्वेश्चन ठीक है। है, हाँ डायरेक्ट प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो वो मतलब लीट कोड मैंने कर रखा था, साथ साथ किया था मैंने, मतलब पहले नहीं किया था बाद में किया था, थोड़ा थोड़ा लेट भी हो गया था मेरे चक्कर में, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में DSA पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, तो एज अ फ्रेशर तो DSA करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही था मेरा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने एक वो देखा, 2 सॉर्टेड एरे दे रखे थे, मतलब 2 एरे दे रखे थे, उनका मीडियन निकालना था, ठीक है, ये भी लीट कोड का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, लीट कोड का हार्ड प्रॉब्लम है ये, बट मैंने कर रखा था तो हो गया था, अगर शायद ना कर रखा होता तो मुझे दिक्कत होती, बट मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा था तो हो गया था। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा था डुप्लीकेट एरे का, मतलब एरे दे रखा था उसमें से डुप्लीकेट निकालना है, तो है वो मेनली मैंने पाइथन की लाइब्रेरी वगैरह या फिर डायरेक्ट फंक्शन करके यूज कर दिया था, बट वो मुझसे हैश मैप का एक्सप्लेनेशन चाहते थे, तो मैंने वो भी कर दिया था, थोड़ा बहुत टाइम लगे था बट हैश मैप हो गया था मेरा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से सॉर्टिंग का था, कि एक फंक्शन क्रिएट करना है, इसमें वो एक या तो एक कैरेक्टर पास करेंगे और वो एक एरे पास करेंगे, अगर वो कैरेक्टर ए होगा तो उसको वो असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, अगर डी होगा तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। तो इसमें मैंने सिंपल बहुत वो लगा दिया था, ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा दिया था, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के मैंने बबल सॉर्ट लगा दिया था मैंने। उसके बाद फिर उन्होंने ये मेरा इतना कोडिंग वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने SQL के क्वेश्चन पूछे, जो बेसिक डेटाबेस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस वगैरह, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और एसिड प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब पूछी थोड़े बहुत। उसके बाद फिर उन्होंने SQL पर जंप किया, उन्होंने मेरे से डायरेक्ट क्वेरी पूछी विंडो फंक्शन की, कि एक एम्प्लॉय आईडी वगैरह दे रखी थी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट, तो मेरे को एक्चुअली वो top 3 एम्प्लॉयज निकालने थे हर डिपार्टमेंट के, गॉट इट। तो मैंने रो नंबर यूज करके वो कर लिया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था डेंस रैंक से रिलेटेड, तो मतलब क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, डेंस रैंक से बहुत सिमिलर क्वेश्चन था, बस वहाँ डेंस रैंक यूज हो गया था, ओके तो डेंस रैंक और रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस पूछा, तो SQL भी हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एक डेटा शेयर किया, आई थिंक 1000 रोज का डेटा था, उन्होंने फिर पांडास के मेरे को जितने भी आपने जितने भी फंक्शन वगैरह पढ़ाए हैं वो सारे पूछे थे, ऑलमोस्ट सारे, जैसे इन्फो फंक्शन एक्सप्लेन करना था, डिस्क्राइब ओके फंक्शन एक्सप्लेन करना था, और मोस्टली उन्होंने जो ध्यान दिया था वो ग्रुप बाई पर था, ग्रुप बाई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 2-3 कंडीशन दे के डेटा फैच करना, लॉक आई लॉक ग्रुप बाई ये सब पूछा था, इज इन वगैरह यूज करके काफी चीजें पूछी थी, जैसे डेटा वगैरह फिल करना है ये सब पूछा था। ओके तो मेरा पहला इंटरव्यू करीब 1 घंटे 15 मिनट के आसपास चला था इंटरव्यू मेरा, काफी लंबा था। तो मेरा पहला
हाँ मेरा इंटरव्यू काफी लंबे थे ये दोनों ही, मतलब तीनों ही ठीक ठाक थे। और फिर उसके बाद मेरा अगले दिन कॉल आ गया कि सेकंड इंटरव्यू होगा मेरा। तो सेकंड इंटरव्यू मोस्टली डेटा साइंस के अराउंड था। उसमें सबसे पहले उन्होंने स्टैटिक्स से स्टार्ट किया, ये मीन मोड मीडियन कहाँ यूज होते हैं, और ये वेरियंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ये पूछा। और एक और पूछा था उन्होंने पायरेट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, वो जो 80-20 वाला जो रूल होता है, हाँ तो हाँ वो मेरे को एक्सप्लेन करना परेटो, था हाँ एक्चुअली। हाँ वो वाला, तो मेरे को थोड़ा एग्जांपल देके वो करना था, तो मैंने वो वेल्थ वाला एग्जांपल दे दिया था, हो गया था बट वो। और उसके बाद फिर उन्होंने उसके क्वेश्चन पूछे थे सीएलटी के, तो काफी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए थे उन्होंने। जैसे कि एक सी है, उसमें शार्क का अगर हमें साइज चेक करना है तो कौन सा अप्रोच लगाएंगे, तो उसमें सीएलटी वगैरह यूज हो जाएगा, ये सब मैंने बताया था। एक वोटिंग वोटिंग वाला एग्जांपल भी उन्होंने पूछा था सिचुएशन बेस्ड वाले। फिर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे मूव किया, फिर चारों तरह के, बस मैंने उन्होंने वाला एग्जैक्ट ये चीज नहीं पूछी थी कि इसका एक्सप्लेन करो, बट उन्होंने बस पूछा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। चार तरह के टेस्ट, उनके एक एक एग्जाम्पल दे देते। ओके सबसे अच्छी चीज थी कि मेरे को मैंने जो नोट्स बना रखे हैं आपके, जो आपकी वर्डिंग्स है वो मैंने नोट कर रखी है, तो जो आप एग्जाम्पल भी देते हो वो मैंने प्योर एकदम मतलब हिंदी में लिख रखी है वो कुछ चीजें मैंने इस तरह से, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी याद है हर एक उसके, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये उसके बाद फिर उन्होंने डेटा साइंस के कंसेप्ट पूछे, जैसे फीचर सिलेक्शन, तो उसके मैंने टाइप वगैरह बता दिए, बैकवर्ड सिलेक्शन ये सब, और फीचर एक्सट्रैक्शन पीसीए वगैरह ये सब पूछा उन्होंने। थोड़ा बहुत मैथ्स पूछा था पीसीए का, तो मतलब पीसीए का मैथ्स मैंने उतना नहीं बता पाया था, थोड़ा सा अटक गया था मैं चीजों में डॉट प्रोडक्ट वगैरह में, बट हाँ मैंने मैनेज कर लिया था, मतलब ओवरव्यू मैंने अच्छा खासा दे दिया था, मैंने एग्जाम्पल के साथ बता देता कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरह के उसमें यूज होता है। जब वो डीप डाइव हुआ मैथ्स में तो थोड़ा अटक गया था, बट वो मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स उन्होंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पर निकाला था, अच्छा मतलब प्रिसिजन प्रिसीजन रिकॉल, F1 रिकॉल। स्कोर, प्रिसीजन प्रिसीजन कहाँ यूज कर सकते हैं और रिकॉल कहाँ यूज करेंगे। तो जो दो एग्जाम्पल जो आपने समझाए थे मैंने वो दोनों ही बताए थे, एक तो ईमेल स्पैम क्लासीफायर का और एक कैंसर वाला, तो वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद फिर R2 स्कोर, एडजस्टेड R2 स्कोर ये सब पूछा। फिर हाँ फिर कुछ डेटा साइंस के कंसेप्ट पूछे थे, जैसे कि वो क्लासिफिकेशन में वो था ना ROC कर्व वगैरह, डेटा लीकेज ROC पूछा AUC। था, और एक हाँ और उसके बाद फिर वो पूछा था क्रॉस वैलिडेशन पूछा था, तो मैंने तीन तरह के क्रॉस वैलिडेशन एक्सप्लेन कर दिए थे, तीनों तरह के कब कब यूज कर सकते हैं किस तरह के, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब जितने भी जो कंसेप्ट होते हैं एक मॉडल बिल्डिंग में, मतलब एक प्रोसेस में डेटा, एक डेटा मॉडल बनाने में जितना भी प्रोसेस होता है वो सब उन्होंने कवर कर लिया था। मॉडल उसके बाद फिर बिल्डिंग और वन मॉडल वन वन है, इवैल्यूएशन पे काफी फोकस किया था। हाँ तो इस वाले उसमें। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत कोडिंग कराया था एसक्यूएल का यूज करके, जैसे वन हॉट वन एनकोडिंग वगैरह कराया था, डमी एक गेट डमी फंक्शन होता है उसके पैंडास में। लिए वो यूज कराया था मेरे को। हाँ और थोड़ा बहुत एक दो और कुछ, जैसे उन्होंने बोला था कि वो जो मिसिंग वैल्यू फिल होती है हम उससे भी कर सकते हैं एसक्यूएल का यूज करके, तो वो उन्होंने बताया था, मैं मतलब थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, एक्चुअली मैं ज्यादा याद नहीं रहा था ये सारी चीजें, मैंने फिर भी जितना मेरे हो सका मैंने उतना बता दिया था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 90% मैंने आंसर दे दिए थे इस पूरे ओवरऑल अगर देखूँ तो मैं। तो ये भी मेरा 1 घंटे के आसपास चला था मेरा राउंड, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं कराई थी बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे डेटा साइंस के राउंड। उसके बाद फिर मेरा थर्ड फिर अगले दिन मेरा थर्ड राउंड हुआ, अच्छा, ये थर्ड राउंड में तीनों उन्होंने राउंड 3 दिनों में हो गए थे? हाँ तीनों राउंड 3 दिन में हो गए थे मेरे, मतलब मेरा सुबह को मेरा राउंड हुआ था, शाम को मेरा रिजल्ट आता था, अच्छा काफी वाह, फास्ट था सही है प्रोसेस सही इनका। है। तो हाँ तो फिर तीसरा मेरा राउंड हुआ, ये मेरा राउंड टोटल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डीप लर्निंग एल्गोरिदम के मैथ्स के ऊपर था टोटल। सबसे पहले उन्होंने लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट किया, मतलब वो लोग ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज बताओ, एल्गोरिदम का नाम लेते थे और मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता था, उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे। जैसे मशीन लर्न मैंने उन्होंने लीनियर रिग्रेशन मैंने स्टार्ट किया, मैंने बताना स्टार्ट किया कि बेस्ट फिट लाइन वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने पूछा बेस्ट फिट लाइन क्या होता है, फिर मैंने बताया, फिर लॉस फंक्शन वगैरह बताया, क्रॉस कॉस्ट फंक्शन बताया, उनका बीच में डिफरेंस बताया, फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे इक्वेशन वगैरह पूछी उन्होंने, बोला ये इक्वेशन वगैरह क्यों लेते हैं। एक वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम जो वो कर्व लेते हैं ना, कौन सा होता है वो, कॉस्ट फंक्शन के लिए मीन स्क्वायर एरर ही क्यों लेते हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं लेते, तो मैंने डिफरेंशिएबल वाला वो जो पॉइंट होता है। डिफरेंशिएबल हाँ वाला जो कंसेप्ट था फिर मैंने वो समझाया। तो मतलब काफी डीप डाइव गए थे, मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे को आता था उतना वो बस ट्राई कर रहे थे कि हाँ इसमें सच में पता है या नहीं है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, बट जितना मैंने बताया उतना ही किसी पूछ रहे हैं, लेकिन और मैंने क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ पूरा पूरा एक्सप्लेन किया था जितना मेरे को आता था, जितना आपने अपनी वीडियोस में बता रखा है मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पूछा, यही सारी यही प्रोसेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रहा। उसके बाद फिर उन्होंने डिसीजन ट्री और एसवीएम पर बहुत अच्छी तरह से फोकस किया, मतलब डिसीजन ट्री उन्होंने वो सब पूछा कि नहीं इंपेरेटिव वगैरह क्या होता है, मतलब एक्चुअल एक एग्जाम्पल लेके पूछा था मैंने। फिर वो एग्जाम्पल दिया था वो कि एक दो बैग है, अगर उसमें 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी इंपेरेटिव वगैरह क्या होगी, और अगर 40-50% एक पीरियड है तो उसकी इम्प्योरिटी वगैरह क्या होगी, ये सब मैंने एग्जांपल देके सब बता दिया। मतलब मोस्टली मैंने चीजें एग्जांपल देके बताई थी, तो थोड़ा मुझे लगता कि प्लस पॉइंट हो गया था वो मेरे लिए, तो ये था। और उसके बाद एसवीएम में, एसवीएम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लगता है काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, वो उस इम्प्रेस भी हो गए थे काफी। मैंने वो वाला कंसेप्ट बताया था, स्लैक स्लैक वेरिएबल वाला, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को ये बताया हमने था कि बहुत ज्यादा ऐसा, पढ़ा भी है DSMP में, शायद चार हाँ लेक्चर्स हैं पूरे हाँ दो दो घंटे के। वही, तो मतलब उन्होंने मेरे को ये बोला था कि जो स्लैक वेरिएबल वाला कंसेप्ट है हिंज लॉज वाला, ये एज अ फ्रेशर वो एक्सपर्ट नहीं कर रहे थे मेरे से कि मेरे को पता होगा, लेकिन चलो मैंने वो काफी अच्छी तरह से बताया था उन्हें कि स्कोर वगैरह बढ़िया। बताता है कि, फिर उसके बाद फिर उन्होंने ट्रेड ऑफ बताया था उनको कि मिस क्लासिफिकेशन का और उसका जो सी वैल्यू जो कंट्रोल करती है मिस क्लासिफिकेशन और मार्जिन डिस्टेंस का ट्रेड ऑफ बताया था। मतलब मेरे ख्याल से मैं जो ये वाला जो राउंड था मेरा वो मेरी खुद की मेहनत से निकला था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने उसने बहुत छोटा सा पूछा था लेकिन बहुत ज्यादा अंदर से मैंने बताया था, क्योंकि मेरे साथ अभी तक क्या हो रहा था कि जितना लोग पूछते थे मैं उतना ही बताता था, और आखिरी में जाके मैं आखिरी राउंड तक जाता था और मैं देखता था कि हाँ किसी और को सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, अच्छा, और मोस्टली ओके। वो बच्चे आईआईटी या फिर एनआईटी से एनआईटी से होते थे। तो मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं कहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं लैग कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आखिरी राउंड में निकलता था हमेशा, क्योंकि वो लोग सेलेक्ट करते थे 3-4 बच्चे आखिरी तक और मैं हमेशा आखिरी राउंड में निकल जाता था। तो शायद इसलिए क्योंकि आईआईटीज में भी बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा प्लेसमेंट उतना नहीं चल रहा है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, मैंने बाकी मेरे दोस्त वगैरह हैं उनसे पूछा था तो वो लोग बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं बाहर, तो ऐसा कॉलेज का बहुत ज्यादा थोड़ा मिलता ही है, अगर टैग आईआईटी का लगा हुआ है तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंपनी ले लेती है, बिल्कुल तो वहां मेरे को लगता था कि हाँ शायद लैग कर रहा हूँ, तो ये सब मेरा काफी अच्छी तरह से गया था। फिर उन्होंने डीप लर्निंग का क्वेश्चन पूछे मेरे से, जैसे कि CNN वगैरह क्या होते हैं, लेयर्स वगैरह पूछी, पैडिंग हर एक लेयर एक्सप्लेन करी, मैंने CNN काफी अच्छे से किया था क्योंकि ये कंपनी मोस्टली CNN पे ही काम करती है, क्योंकि इनका मेन काम कंप्यूटर विजन का है, इमेज वगैरह पर काम करती है, फॉन्ट वगैरह लेती है और मॉडल ट्रेन करती है, तो CNN मैंने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि मैंने CNN, आपने CNN अभी उसमें पढ़ा रखा, मैंने तय कर रखा था कि शायद ये आपका DSMP 2 वाला कोर्स खत्म हो और आप फिर डीप लर्निंग पर जाएंगे वो वाला कोर्स, तो मैंने तब करूंगा, लेकिन मेरे को पता चला कि डीप लर्निंग मेरे को करना पड़ेगा, तो मैंने एक हफ्ते में पढ़ा था डीप लर्निंग, कितना भी आपकी वीडियो से पढ़ा था जो बना रखी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कितना कितना पढ़ो, तो CNN की मैंने सारी वीडियोस देख ली थी, कुछ मैंने इंटरव्यूज क्वेश्चन देख लिए थे, डीप लर्निंग का थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था बट हो गया था। फिर उन्होंने एक उसके क्वेश्चन पूछे थे काफी सारे, एक्टिवेशन फंक्शन कौन से होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कौन से होते हैं, बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, एक क्वेश्चन और यहाँ भी मैंने थोड़ा सा इंप्रेस कर दिया था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रेडियंट वैनिशिंग का, ठीक है, तो ग्रेडियंट वैनिशिंग मैंने कहीं किसी दूसरी वीडियो में से पढ़ा था, तो वो मैंने अच्छी तरह से बता दिया था कि सिग्मॉइड फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों हम रेलो यूज करते हैं, उसके बाद फिर रेलो में क्या प्रॉब्लम आती है इसलिए हम प्री प्री रेलो यूज करते हैं, तो इक्वेशन के साथ मैंने वो सब समझा दिया था अच्छी खासी तरीके से। तो बेस्ट फिर पार्ट उसके बाद उन्होंने कि पूछा, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है यार, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हैं कि कौन से इंटरव्यू में पूछे गए थे। जनरली मैंने पास्ट में जितने हाँ लोगों का इंटरव्यू लिया है वो भूल जाते हैं कि उनसे क्या सवाल पूछा गया है, सो इन दैट सेंस मेरे को लगता है आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ऑल्सो मेरे को एज अ हाँ टीचर, बिकॉज आई एम योर टीचर, तो मेरे को बहुत ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि यार आपने इतनी मेहनत करी बोथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड देन उसके बाद जॉब हंटिंग, उसके बाद आपने 15 जॉब्स दिए, जॉब इंटरव्यूज दिए, उसमें आपको फेलियर मिला तो आप फिर से अगले दिन गए और आपने नई कंपनीज में अप्लाई किया और फाइनली आपने फोड़ ही दिया, वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ। तो वेरी गुड यार तरुण, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपका ये जो पूरा जर्नी है ना मेरे को समहाउ बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। मेरे को लग रहा है जो भी देख रहा होगा ये आपकी पोजिशन पे, आपके जैसे जो फ्रेशर्स होंगे, आई एम प्रिटी श्योर वो लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट चीज आपसे मैं और जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी तो समझ में आई गई, आपको क्या लगता है कि फ्रेशर्स क्या गलती कर रहे हैं, आपके जैसे जो फ्रेशर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से जॉब्स नहीं निकल पा रही हैं, क्या ऐसा चेंज करने से आपको लगता है कि और ज्यादा लोग क्रैक कर पाएंगे इस लेवल के जॉब्स, इवन कमिंग फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज?
ओके तो सबसे पहले तो मेरे को ये लगा, जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी कि मैंने शुरुआत से डीएसए नहीं किया था। तो अभी भी मेरा जो अगला जो टारगेट है वो है कि मैं डीएसए बहुत अच्छी तरह से करूं, जो मैं ट्री ग्राफ ये सब कवर कर लूं। तो सबसे बड़ी तो ये कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहा है तो वो पक्की बात है कि हाँ डीएसए करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। लेकिन जो डेटा डेटा साइंस के उसमें जाता है ना फील्ड में, तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा डीएसए नहीं पूछा जाता, तो वो छोड़ देते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब इंटरव्यूज वगैरह आएगा तो हम डीएसए थोड़ा बहुत कर लेंगे और हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर तुमने छोड़ दिया तो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि डीएसए को ना छोड़ें, डीएसए करते रहें। क्योंकि मैंने यही गलती की थी कि मैंने थर्ड ईयर तक डीएसए नहीं किया था, मैंने फोर्थ ईयर में, मैंने एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से जब चल रहा था तो कम से कम 2 या 3 कंपनी मेरे से छूट गई थी, कि वो भी सिर्फ डीएसए की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था और लेकिन पढ़ा डेटा साइंस के फील्ड में था, तो कुछ मतलब जो इजी क्वेश्चन थे वो भी मैं नहीं बना पा रहा था डीएसए में, क्योंकि मोस्टली कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आई थी कॉलेज में और वहां मैं छूट गया था। तो इसलिए फिर मैंने डीएसए अच्छी तरह से स्टार्ट करना पड़ा। तो एटलीस्ट एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, नॉट लिंक लिस्ट, क्यू स्टैक, इतना तो काफी अच्छी तरह से कर लें। लीट कोड के इजी वाले प्रॉब्लम भी लगा लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाती है। गॉट इट। और तो इसके पहला अलावा तो और यही है कुछ? कि इसके अलावा ये है कि अगर जितना ज्यादा मैथ्स करोगे, डीप लर्निंग या नॉट डीप लर्निंग, एवरीथिंग लाइक स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मोस्टली मशीन लर्निंग लाइक एसवीएमएम, डिसीजन ट्री, जितना ज्यादा मैथ्स करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, बहुत सारे। मैं एक और शेयर करना चाहूंगा चीज कि मेरी एक ड्रीम कंपनी थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए डेटा साइंस के लिए आती है, जो MIQ डिजिटल है, वो कि काफी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर डेटा साइंस। एंड वो 12 लाख के आसपास उसका पैकेज था, और मैंने सच बताऊं तो मैंने किसी कंपनी को नहीं सोचा था कि हाँ इस कंपनी में मेरे को जाना है सो उसके अलावा। तो मैंने सोचा कि इसी कंपनी में जाना है, तो उसके 3 या 4 राउंड हुए थे और 900 या फिर 800 बच्चों में से मैं अकेला ऐसा बंदा था जो आखिरी राउंड तक गया था उस कंपनी में। और आखिरी में जाके मैं सिर्फ इसलिए निकल गया था क्योंकि मेरे को SVM का मैथ नहीं पता था। उन्होंने मेरे से SVM के बारे में एक्सप्लेन कराया तो मैंने सिर्फ हार्ड मार्जिन जो है एक्सप्लेन कर दिया, बट उन्होंने बोला कि रियल डेटा पर ये वो नहीं होगा, तो क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर तो मेरे को सिंपल सॉफ्ट मार्जिन एक्सप्लेन करना था जो मैंने यहाँ किया, वहां उन्होंने पूछा था, यहाँ मैंने बिना पूछे एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं शायद वहां एक्सप्लेन कर देता गॉट इट। तो मेरा उधर हो जाता। तो जितना ज्यादा मैथ्स पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस हैं कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरे को वही गिल्ट था कि मेरा MIQ रह गया, अब मेरा वो गिल्ट खत्म हो गया, मेरे बस इधर में गिल्ट खत्म हो आप गया, मतलब वो उससे खत्म बढ़िया हो गया। पैकेज पे चले गए, मे बी उससे बढ़िया हाँ कंपनी हो, यू नेवर नो। तो हाँ या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो दो मेन आपका जो लर्निंग है वो आप बोल रहे हो कि डीएसए पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए और मैथ्स घुस के हाँ एज अ पढ़ना चाहिए फ्रेशर। एज अ फ्रेशर, और हाँ डीएसए पे आपको सॉरी मैथ्स में आपको घुस के पढ़ना चाहिए। हाँ मतलब जितना आपने पढ़ाया अपनी वीडियोस में, अगर उतना भी मैथ्स पढ़ लेते हैं तो बहुत है। मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत है भी, उतना बहुत मतलब इनफ है वो, और काफी सारा मैथ पढ़ा है, लेकिन ये कि बहुत सारा है, मतलब मैं बोलूंगा बहुत सारा है। तो एक और चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि मैंने जो नोट्स बनाए थे उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था। मतलब लोग वह क्या करते हैं कि आपने सपोज SVM पढ़ाया तो आपने उन्होंने सिर्फ लिखा कि हार्ड मार्जिन क्या होता है, सॉफ्ट मार्जिन क्या होता है, डेफिनेशन टाइप लिख लिया या फिर डायग्राम वगैरह बना लिए। लेकिन मैंने जो तो किया कि मैंने इस तरह से नोट्स बना रखे हैं अपने कि एक बार मैंने अपने नोट्स पढ़ लिया ना, दोबारा आपकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच अच्छा, जाता है। मतलब जो आप ओके। बोलते हो ना एक एक वर्डिंग में वो भी नोट कर लेता हूँ चीजें, ताकि मेरे को एकदम रिकॉल हो जाती है चीजें कि हाँ कि इस वाले टाइम पर सर ने ये चीज बोली थी। तो मैं जब इंटरव्यू में पढ़ता जब इंटरव्यू में कुछ चीज बताता हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो रिकॉल हो जाती है, वो जो नोट्स लिख रखे हैं मैंने। तो अगर नोट्स परफेक्ट परफेक्ट। बनाओगे तो काफी अच्छा वो नोट इम्पेक्ट मेकिंग इज पड़ेगा, वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ लेक्चर देख के फायदा हाँ नहीं अगर होगा। आपकी अगर मेमोरी थोड़ी अच्छी करनी है तो नोट्स बनाओ अपने हाथों से। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जो नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आपकी जो वो है, मतलब मेरे पास ये ऑप्शन था कि जो आपने जो बना रखी है आप शेयर करते हो, आप PDF वगैरह, मैं उससे भी कर सकता था, लेकिन बट मैंने आप वो फॉलो नहीं किया, मैंने खुद के नोट्स बनाए। मेरे 5-6 है मेरे पास, काफी बड़े बड़े रजिस्टर हैं, जो एक स्टैटिक्स का अलग है गॉट और इट। एक मशीन लर्निंग का अलग है और एक डेटा साइंस कंसेप्ट का अलग है, डीप लर्निंग का मैंने स्टार्ट किया है उसका भी मैंने अलग ही बनाया है। तो नोट नोट जितने ज्यादा अच्छी तरह से और जितने ज्यादा डिटेल में और बहुत सारी चीजें लिखोगे उतनी अच्छी बात है। मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कभी नोट्स अगर खुद बना रहे हो तो जो बुकिश लैंग्वेज होती है ना उसे अवॉइड करना, और जो अपनी खुद की लैंग्वेज होती है उसमें लिखो,
तो काफी हेल्प हो जाती है अगर तुम्हें चीजें याद करनी, क्योंकि लोग आकर एक, मैंने जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें, कभी कभी लोग पूछते हैं कि इतनी सारी चीजें होगी, डेटा साइंस बहुत बड़ा फील्ड है, तो इतनी सारी चीजों को याद कैसे रख रखेंगे, बस यही एक ऑप्शन है कि आप लिखो, एक एक चीज को लिखो, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी लिखो। सही और उससे बात। क्या होता है कि जब मैं ना जो आप एग्जाम्पल देते हो, मैं वो भी एक एक चीज लिख लेता हूँ पूरा, तो वहां पे मैंने, और मैंने इस तीनों इंटरव्यूज में कम से कम मैंने 10 से 15 एग्जाम्पल दिए होंगे, और 10 से 1 इनमें से एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं था जो मैंने अपनी तरफ से सोचा हो या फिर कहीं से मैंने पढ़ा हो। जितना आपने वीडियो में बताया जो एग्जाम्पल, वो वही एग्जाम्पल दिए मैंने, और काफी अच्छे खासे एग्जाम्पल होते हैं फिर वो। तो सही है तरुण, मेरे को समझ में आ गई आपकी बात। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूं। आपने टाइम लिया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पहले तो सीखा, नोट्स बनाया, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग अच्छी की, आपने 2 इंटर्नशिप्स भी कर ली, उसके बाद आपने जॉब हंटिंग बहुत सीरियसली लिया, 6 महीने तक आपने कंपनीज को चेस किया, 15 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, और 15वीं कंपनी में फाइनली आपने 17 लाख का पैकेज क्रैक किया, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां मार्केट एकदम खराब है। इट्स ट्रिमेंडस, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू तरुण, आप आए हमारे चैनल पे और आपने अपना जर्नी शेयर किया। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलो फिर आई विल क्लोज द सेशन एंड लेट मीट गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।